वैसे मेरा तो कोई सगा भाई नहीं, इसलिए बचपन से हम दोनों बहनें ही एक दूसरे को बांधती हैं राखी और करती हैं एक दूसरे से यही वादा कि हम दोनों रक्षा करेंगे एक दूसरे की। वैसे क्या आप जानते हैं, ऐसी लड़कियां जिनका ना भाई होता है ना बहन, वो तो अपने पापा को भी बांधती हैं राखी। एक्चुअली ये तो होता है ना प्यार के बंधन का त्यौहार, और ऐसी ही प्यार भरी है हमारी ये स्पेशल स्टोरी। नाच गाकर मनाया रिश्तों का त्योहार, करिश्मा का दुलार, बहनों का प्यार, सीरियल में आरोही भले ही अक्षरा से नफरत करती हैं, लेकिन रियल लाइफ में करिश्मा अपनी बहन बिपाशा पर जान लुटाती है। भाई बहनों का रिश्ता तो होता ही ऐसा है, कितना भी लड़ लें, कितना भी झगड़ लें, लेकिन वो नाराजगी पल में दूर हो जाती है जब बहन बहन को देखकर मुस्कुराती है। भाई रक्षाबंधन के त्योहार में बहनों को भाई की कलाई में राखी बांधते हुए तो सभी ने देखा है, लेकिन आज ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आरोही यानी कि करिश्मा सावंत रियल लाइफ में अपनी बहन बिपाशा की कलाई में राखी बांधेंगी, वो भी सास बहू और बेटियां के संग, और शेयर करेंगी बहनों के सीक्रेट्स भी। मेरी बहन है बहुत ही अमेजिंग आउटफिट में रेडी है, क्या पहना प्लीज बताना आपने। I'm just wearing a dhoti and choli. झुमके, हाँ इट्स अ डिजाइनर वेयर, और मैंने एक सिंपल सा कॉटन का कुर्ता पहना है फॉर माई कम्फर्ट, और ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी है विथ माई सिस्टर्स हेल्प, और हमने अपने दिन की शुरुआत पूजा से की है क्योंकि हम गणेश में बहुत मानते हैं, तो गणेश आरती से हमने अपनी दिन की शुरुआत की है और दिल की भी शुरुआत की है, इसलिए आपको मेरे माथे पर ये टीका दिखाई देगा, और थोड़ी एक्सेसरीज पहन के मेरी बहन ने मुझे स्टाइल किया है हमेशा की तरह। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन से वादा करता है उसकी रक्षा करने का, लेकिन यहाँ बहनें एक दूसरे से वादा कर रही हैं हमेशा साथ निभाने का, एक दूसरे की आरती उतार कर कलाई में रक्षा का बंधन बांध कर। करिश्मा भले ही बड़ी बहन हो, लेकिन उनको स्टाइल उनकी छोटी बहन ही करती है, क्योंकि करिश्मा की छोटी बहन धाकड़ जो है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं इनके रिश्ते की कहानी इन्हीं की जुबानी। आज के स्पेशल डे पे बस मुझे इतना पता था कि मुझे आज के दिन घर पर रहना है, अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है, स्पेशली मेरी बहन के साथ, मौसम इन्जॉय करना है, बहुत अच्छी धूप और भगवान को याद करना है, दिन की शुरुआत गणेश जी से करनी है, बस ये सब सोचा था, और अच्छे कपड़े पहन के तैयार रहना है, जो जिस चीज़ में ये कभी पीछे नहीं रहती है, ये अपना स्टाइल स्टेटमेंट हमेशा मेंटेन रखती है मेरे लिए। मैं हमेशा कंफर्ट देखती हूँ, लूज सा कुछ पहन लिया, यू नो हल्का फुल्का सा कुछ पहन लिया, पर मैम एकदम टिप टॉप है ना, क्या कहना चाहेंगी आप? हाँ टिप टॉप रहना पड़ता है, आपकी जो बहन हूँ। ओके ओके, हाँ अभी करिश्मा सावंत की बहन है तो अब इन्हें भी टिप टॉप रहना पड़ता है। और आप भी विपाशा सावंत की बहन है? जी जी, ये मैं भी विपाशा सावंत की बहन हूँ, तो वैसे लूज से कुर्ते नहीं चलेंगे, मुझे भी थोड़ा अपना ध्यान देना पड़ेगा। वैसे अगर आपको पता नहीं हो तो ये झुमके और ये जो भी मेरी स्टाइलिंग है ये मैम ने ही मुझे करके दी है, मैं तो फुल ऑन कहीं क्या करूँ क्या पहनूँ ये वो, ये हमेशा शी ऑलवेज हैज़ माई बैक। हर साल वैसे मेरी मॉम जाती है अपने कजन्स के घर पे, माय मॉम इज़ अ सिंगल चाइल्ड, उनके कोई रियल ब्रदर नहीं है, रियल ब्रदर इज़ अ रॉन्ग टर्म, आई डोंट नो अगर आप समझे, उनके कजन्स हैं, तो हम वहाँ जाते हैं और अपनी कजन सिस्टर्स से मिलते हैं, हमारा कोई भाई नहीं है, तो आज हमने सोचा कि मॉम को जाने देते हैं अपने रिलेटिव्स के घर पे, हम एक साथ आज अपना टाइम स्पेंड करते हैं घर में रहेंगे आज हम, अब यहाँ पर तो हम अपने सारे रक्षाबंधन वाली चीज़ें कर ली हैं, भगवान को याद करना, एक दूसरे को मिठाई खिलाना, साथ में रहना, बट इसके बाद जो हमारी मस्ती शुरू होगी वो इस कैमरा पे कैप्चर नहीं हो पाएगी।
आई थिंक हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत झेलते हैं और खुशी खुशी झेलते हैं. उस वक्त बहुत गुस्सा आता है एक दूसरे के ऊपर. ये अपना गुस्सा मुझ पर निकालती है, मैं अपना गुस्सा इस पर निकालती हूँ. पर आई थिंक ये गुस्से में ही प्यार है. हमारा रिलेशन ऐसा कुचिपू वाला, ऐसे मेरी बहन है वैसा हम नहीं कर पाते हैं. वो हमारे दिल में है, मुँह पर हम हमारे झगड़े ही होते रहते हैं, बट अंदर बहुत प्यार है. मतलब अभी झगड़ा होगा पर हम याद नहीं रखेंगे कि तूने मुझे ऐसा कहा था वैसा कहा था. वैसा हमारे में कुछ नहीं है. हम एक दूसरे को बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं और फिर बिना माफ़ी मांगे ही वापस दोस्त भी बन जाते हैं. ये हमारा फर्स्ट ईयर है कि हम रक्षाबंधन मना रहे हैं, बट हर साल हमें बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम साथ में मामा के घर जाते हैं और हम लोग वहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं. इसलिए मैंने उसे ईयरफोन्स दिए हैं और चॉकलेट्स ला कर दिए हैं, और इसने मुझे अब तक कुछ ला कर दिया नहीं है मैम ने, पर मैं बहुत सूट समेत अपनी गिफ्ट ले लूँगी. करिश्मा और बिपाशा का रिश्ता भी बाकी बहनों की तरह ही है. दोनों एक दूसरे से लड़ती भी हैं, लेकिन हर मुश्किल में हमेशा एक दूसरे के लिए खड़ी भी रहती हैं. और जब बारी आती है सेलिब्रेशन की तो साथ में खूब धमाल मस्ती भी करती हैं, जैसे कि इस रक्षाबंधन के त्योहार पर दोनों नाच गाकर अपने रिश्ते को सेलिब्रेट कर रही हैं. वैसे सच कहूँ तो मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता. ये बहुत अच्छा खाना बनाती है. काफ़ी बार जब मेरे एग्ज़ाम्स होते थे तो मुझे रात को भूख लगती थी, मैं पढ़ती रहती थी, तो ये कभी सेव पूरी बना के लेके आ जाती थी. वैसे ये भी कुछ बड़ा नहीं बनाती है, सेव पूरी बना लेती है. सेव पूरी, मैगी और क्या बनाती हैं आप? चावल, चीज़ टोस्ट. हाँ, ये सब वो मेरे लिए बनाती हैं बस. मैं चाय बनाना सीख लूँ वो बड़ी बात होगी. एक्चुअली माई मॉम इज़ अ वेरी गुड कुक, तो आई थिंक इट्स टाइम कि हम भी उनसे कुछ सीख ले. मैं सीख रही हूँ, तुझे सीखने की ज़रूरत है अब. ओह शिट, कंपटीशन. इसको शर्म आएगी हाँ प्यार जताने, उसको प्यार जताने बड़ी शर्म आती है. हाँ, आज जता देती हूँ थोड़ा सा. आज हमने एक दूसरे को राखी बांध दी है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आज से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी मैं. वैसे भी कभी नहीं छोड़ने वाली थी, पर मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और हमेशा इसे प्रोटेक्ट करूंगी. हालांकि ये मेरी बड़ी बहन है, पर इसकी बड़ी बहन ज़्यादा मैं लगती हूँ. हाँ, एक्चुअली हम दोनों ही वो बड़ी बहन वाला किरदार कई बार निभाते हैं. कभी कई बार ये कभी देखती है कोई मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है या जो भी कर रहा है, शी विल बी लाइक ओह हेलो क्या ऐसे, यू नो, शी इज़ लाइक शी इज़ ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट मी. एंड ऑफकोर्स मुझे इसे देख कर तो ऐसा लगता ही है कि मेरी छोटी बहन के साथ साथ मेरी बेटी जैसी है. तो और क्योंकि ये 4 साल छोटी है मेरे से, पर ये चाहे जितनी भी बड़ी हो जाएगी, कितनी भी बड़ी हो जाएगी, मेरे लिए हमेशा एक बच्ची ही रहेगी. स्पेशल मैसेज ये है कि ये दिन बहुत ही प्यारा दिन है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने भाई बहनों के साथ मनाएं. वैसे खुशी की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इनका साथ हम कभी कभी ही रहेगा, पूरी ज़िंदगी ही आपके साथ रहेंगे ये. चाहे आपके दोस्त आए जाएं, जो भी आए जाएं, पर इनके साथ आपका सबसे लंबा रिश्ता होने वाला है. और वैसे तो पूरी कहने को पूरी ज़िंदगी है, पर ये दिन को सेलिब्रेट कर दीजिए अपने सिबलिंग्स के साथ. क्यों? हाँ, हैप्पी रक्षाबंधन. भाई, रक्षाबंधन का त्यौहार इससे ज़्यादा स्पेशल क्या होगा? जब दो बहनें एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगी, ढेर सारी मस्ती करेंगी और साथ ही एक दूसरे के सीक्रेट्स को और भी जानेंगी. सास बहू और बेटिया की तरफ से करिश्मा सावंत और उनकी बहन को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं. मुंबई से रुबीना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.